एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है एक लाइनर, एक पेन लाइनर, राइट? इट्स हिलेरी रोडा ब्लैकेस्ट ब्लैक आई लाइनर पेन एंड आई होप आप लोगों में से बहुत लोग इसको यूज़ करते होंगे एंड इसके बारे में जानते भी होंगे, बट जिनको इसके बारे में नहीं पता मैं उसको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल, इट्स ओनली ऑफ 100 रुपीज, राइट? 100 रुपीज में यू आर गेटिंग अ फेल टिप लाइनर एंड लुक एट माई लाइनर। आज मैंने इसके साथ लगाया जस्ट अ विंग लाइनर, और बोल्ड करो, थिन करो, आप कुछ भी करो, आप इसके साथ करो, राइट? ये बहुत सही लाइनर है एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इट्स हिलेरी रोडा। हिलेरी रोडा की आपको पता है मेरे पास दो आई शेडो किट्स, एक मैट में है, एक शिमर में है, राइट? तो ये हिलेरी रोडा वालों का पेन है। हिलेरी रोडा की मेरे पास एक लिपस्टिक भी है, लिक्विड लिपस्टिक, वो मैंने उसका रिव्यू नहीं किया, मैं उसको रिव्यू करूंगी, जस्ट मेरे पास सिंगल शेड है उसका। एंड ये बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, बट बहुत अच्छा ब्रांड है। एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप ये देखो, इन्होंने बोला ये ब्लैकेस्ट ब्लैक आई लाइनर पेन है। यार मेबलिन वगैरह के कितने कॉस्टली पेन्स होते हैं एंड ये जस्ट 100 रुपीज़ में मिल गया था मुझे। ये मैंने अपने लोकल स्टोर से खरीदा था 100 रुपीज़ में, लेकिन ये अमेजन पे 170 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अगर आपको ये अपने लोकल स्टोर में इधर उधर आप पता करो, अगर आपको ये 100 में मिल जाता है तो आप वहाँ से खरीदो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप अमेजन से बाय कर सकते हो, राइट? एंड इसका नाम है हिलेरी रोडा ब्लैकेस्ट ब्लैक आई लाइनर पेन। एज यू कैन से कि ये क्लेम करते हैं कि ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है, इनके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है, राइट? नो मैथ लिक्विड लाइनर, मतलब आप जब लगाओगे ये मैस्ड अप नहीं करेगा, ये नहीं कि इधर उधर फैलेगा या कुछ करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने। फेल्टिप फॉर प्रिसाइज कंट्रोल, बहुत अच्छा है इसका फेल्टिप, यू नो पॉइंटर से इन्होंने इसका वो पेन बनाया हुआ, मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगी। एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर द 12 आवर्स, से बिल्कुल लॉन्ग लास्ट करता है, अगर आप इसको ना पंगे लो तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी जगह पे स्टे करेगा एंड बहुत अच्छा लाइनर है। ओके, अब पीछे क्या लिखा हुआ इन्होंने, इन्होंने लिखा हुआ है इसका मेकअप लाइन प्रोमोट्स LED लाइट एमिटिंग डायोड कलर, मतलब इन्होंने बोला कि जब आप इसको लगाते हो तो ये बिल्कुल मैट नहीं है, हल्का सा हल्का सा ग्लॉस भी नहीं है, बट हल्की सी शीन देता है इसमें, रेडियंस एंड क्लैरिटी टू मेकअप एक्सप्रेशन, अच्छी तरह से अगर आप नीचे आई शेडो वगैरह कुछ लगाते हो तो आप मैट नहीं लगा सकते लाइनर, वो फिर वो ग्रेस आती नहीं है। आप ये लगाओ, इससे बहुत सुंदर ब्लैक लाइनर बन जाता है एंड वो निकल के बाहर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा लाइनर लगता है आपका। लिक्विड ब्रश पेन आई लाइनर ड्राइज क्विकली अपॉन एप्लीकेशन टू सप्लाई क्लियर स्टार्क आई डेफिनेशन, बहुत जल्दी ड्राई कर देता है ताकि आप इधर उधर आपका लगे नहीं। आप देखो मेरा इधर उधर नहीं लगा, मैं अभी आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी। डायरेक्शन आपने जैसे आपने लगाना है, राइट? आप नीचे भी लगा सकते हो, इन्होंने लिखा है, बट मैंने नीचे नहीं लगाया। एंड इन्होंने इंग्रीडियंट्स मेंशन किए हुए हैं एंड वो इंग्रीडियंट्स इनके बहुत केमिकल्स वाले होते हैं, वो हमें इतने समझ में आते नहीं है। एक्सपायरी इनकी अगर मैं बताऊँ तो इनकी है 3 साल, आपको मिल जाते हैं बहुत आराम से। 1 पीस इसमें डाला हुआ है, 1.2 ग्राम ऑफ दी प्रोडक्ट है एंड सो नाउ लेट्स, ये देखो, राइट? 3 इयर्स लिखा हुआ है इन्होंने, इन्होंने 1.2 ग्राम लिखा हुआ है एंड यार प्राइसिंग इन्होंने कहीं भी मेंशन की हुई नहीं, इसलिए ये पता नहीं जो जिसका जो मन करता है जितने में इसको बेची जा रहा है। ये 100 रुपीज़ में मेरे को लोकल स्टोर में मिला था, लेकिन आपको ये अमेजन पे 170 में मिलेगा, प्राइसिंग इन्होंने कहीं पे नहीं लिखी हुई। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड वॉइसेस, क्योंकि पता नहीं कोई सड़क पे कई बार निकलते हैं ऐसे एंड उनकी आवाज़ें आ रही हैं। एंड ओके, अब पेन देखो, अब बहुत सुंदर सा इन्होंने ये दिया होता है, इसकी बहुत अच्छे से प्लास्टिक वाली इसकी पैकेजिंग है एंड ये इस प्लास्टिक से थोड़ी सी शेप बनाई हुई, पेन इसके अंदर ही था, मैंने जस्ट यहाँ से ओपन अप किया एंड ये मेरा पेन निकल गया, राइट? इट्स अ ब्लैक पेन, वेरी ब्यूटीफुल शीन आती है इसमें, गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, अगर आप किसको अपने बैग वगैरह में डालते हो तो बहुत क्लासी एंड ट्रेंडी सा लगता है, बहुत क्यूटू सा लगता है, इसको पता भी लगेगा अपने इस पेन है कि आपका आई लाइनर पेन है, राइट? बहुत ब्यूटीफुल सा है। इन्होंने लिखा हुआ है HR हिलेरी रोडा HR लिक्विड लाइनर आई लाइनर, राइट? एंड नेट वेट लिखा हुआ इन्होंने 1.2 ml, ब्लैक कलर लिखा है, नथिंग और इसके ऊपर और कुछ भी मेंशन नहीं है, राइट? नाउ शो, लेट मी शो यू दिस। उप्स, ये टक करके आवाज आती है, मैं आपको दिखाती हूँ, राइट? तो आपका कहीं पे भी ये खुलने नहीं वाला, आप अपने बैग में इसको आराम से लेके जा सकते हो। लेट मी शो यू द पेन, आप इसकी टिप देखो,
राइट, कितनी ब्यूटीफुल टिप है। मैं आपके इसके साथ ये एक्चुअली मैंने NYBA के मेरे कंसीलर करेक्टर स्टिक्स हैं, अब वो आप उसको, ये मैंने अभी भी इसका रिव्यू डाला है, आप इसको देखना, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका जरूर रिव्यू डालना, बहुत अच्छी कंसीलर स्टिक्स है। आज मैंने उसी के साथ मेकअप किया है, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, कोई मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने उसी के साथ किया हुआ है। कंटूरिंग भी आज मैंने की है, तो आप जरूर देखना। ओके नाउ लेट्स सी इसका स्वैश। आप देखो कितना ब्लैक, राइट। अब मैं इससे थिन लाइन ड्रॉ करती हूँ, अब इससे और थिन लाइन ड्रॉ करती हूँ, राइट। वन स्वाइप में ये आपको ब्लैक देगा, वन स्वाइप में। ये बहुत अच्छा पेन है, बहुत ही अच्छा है। एंड आप इसको थोड़ा सा सूखने दो, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्मच करता है या नहीं करता है, लेकिन उतनी देर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये स्मच नहीं करता। मैंने अपनी आईज पे बहुत देर से लगाया हुआ है, राइट, ये स्मच नहीं करता। एंड लेट मी शो यू, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये सूख चुका है। How badly I'm smudging, right? ये बिल्कुल स्मच नहीं करता, राइट। आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं इसका वाटर टेस्ट अगर मैं करूँ तो, वेट, एज यू कैन सी मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया एंड ये तो गया काम से भाई। ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्मच प्रूफ तो है, बट ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, राइट। तो ये देखो, ये तो सारा चला गया, अगर मैं थोड़ा सा और इसको रब करती तो और यू नो मेस्ड अप हो जाता, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। इसका फेल टिप कितना अच्छा, मैं अब इसको लगा के दिखाती हूँ, मैं अपने मिरर में देख रही हूँ। मैंने इसके साथ अपना लाइनर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं सिर्फ अपने नीचे वाली वाटर लाइन और ऊपर वाली वाटर लाइन पे जस्ट मैं काजल लगाऊंगी एंड मस्कारा लगाऊंगी एंड आई एम गुड टू गो। अब अपना सिर्फ काजल लगा रही हूँ, बहुत लाइट सा, देखो आप कितना डिफरेंस हो जाता है आईज में, और अपर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। राइट, लुक एट द आईज, ओके। अगर मैं काजल बताऊँ तो स्टे कोके का बैड एस काजल है, मैं इसका रिव्यू डाल चुकी हूँ, बहुत अच्छा काजल है, आप देख सकते हो। मैंने अपनी अब लिपस्टिक लगा लिए, मैंने अपना लाइनर कंप्लीट कर लिया, देखो कितनी फाइन टिप बनी है, राइट। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे लाइनर तो आप इसको जरूर बाय करो, एंड इसको आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कैसा लगा।
राइट। सो दिस वॉज द रिव्यू एंड द डेमो ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको ये अच्छा लगे तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली एंड जस्ट लाइक माई वीडियोज। टिल देन बाय।